बाबा ने एक प्रश्न पूछा, मैं भी आपसे पूछती हूँ। जो भी आप बैठे हो वो निश्चय बुद्धि हो? निश्चय बुद्धि माना ही है विजयी। अगर विजयी नहीं है तो कोई कारण है, होगा ना कोई कारण है? तो ये सोचो कि मैं निश्चय बुद्धि हूं तो मेरी रिजल्ट ये होना चाहिए। समझो स्टडी आप बहुत अच्छे करते हो तो इम्तिहान में पास होना चाहिए ना आपको। मैं तो बहुत स्टडी अच्छी की और हुए फेल, तो कौन मानेगा आपने अच्छी स्टडी की? अगर आप निश्चय बुद्धि हो तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार। ये भी याद रखना है? क्या याद रखेंगे? रखेंगे ना याद है? तो अभी इस भट्टी का स्लोगन है परिवर्तन करना ही है, पक्का ना? यहां से उठ के कोई आपस में खिटखिट हो और यहां ही कुछ हो जाए तो जीत प्राप्त करेंगे ना? जीत प्राप्त करेंगे ना? तो आपके यहां ये लिख दो वी। टाइम तो हो गया है, एक कहानी और भी सुनाती हूँ। सुनाऊ? थक तो नहीं गए हो? अच्छा, क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा थे ना साकार में, हम तो साथ रहे हैं ना, तो बाबा दिन के टाइम मालिश कराते थे, शाम निमा शाम समझो मालिश करा के फिर नहाते थे, खाना पीना खाने के बाद आराम करने के बाद मालिश कराते थे। उसमें उस समय जो है इलस्ट्रेट वीकली चलती थी, तो बाबा वो ऊपर ऊपर देखता है, पढ़ता नहीं है, थोड़े चित्र देख लिया, कोई ऐसी इंटरेस्टेड काम की चीज होती थी तो पढ़ता था, बाकी चित्र देखता था। तो एक बारी क्या हुआ, उस इलस्ट्रेट वीकली में चर्चिल था, चर्चिल प्रेसिडेंट था ना, तो उसका चित्र आया, उसका चित्र छपा था। क्या वो ऐसे दिखाई देता है? वी, दो अंगुली से वी है, वो गया ना, दिखाई दिया। तो ऐसा चित्र आया, वो खड़ा होके बड़े नशे से कह रहा है, ये विक्ट्री हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। तो बाबा ने ताली बजाई, जो भी नजदीक होता था ना तो वो भाग के आ जाता था बाबा के पास। तो गए तो बाबा ने कहा, देखो ये चित्र, अभी आज प्रेसिडेंट है, कल होगा या नहीं होगा, लेकिन कहते हैं हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, ये तुम्हारा चित्र होना चाहिए इसमें। अभी उसने अपना चित्र दिखाया, तुम्हारी तो बुद्धि में है ही भी ऐसा बताया। तो बाबा ने देखो हमारे को ये कहा तो विक्ट्री तुम्हारी ही। तो अभी भी पुरुषार्थ में विक्ट्री किसकी है? हमारी है ना, कि माया की? अरे माया बेचारी गई और गई, अभी ताकत थोड़ी है, बाहर का रूप है। इसीलिए ये याद रखना, निश्चय बुद्धि माना विजय। अगर कोई भी काम में निश्चय है लेकिन विक्ट्री नहीं होती है तो निश्चय में कोई कमी। निश्चय भी चार प्रकार का है, कोई भी चीज टाइट की जाती है तो चार ही तरफ टाइट करते है ना, हिलती नहीं है। तो चार निश्चय पक्का देखो, एक तो अपने में निश्चय, मैं वो ही हूं, क
कलप कलप मैं ही अधिकारी बना था, अभी भी हूँ, आगे भी था और कलप बाद भी मैं ही होऊंगा, ये इतना पक्का निश्चय स्व में। एक अपने में निश्चय, एक बाबा में निश्चय, तीसरा जो है ड्रामा में निश्चय। ड्रामा जो भी हुआ ड्रामा का फुल स्टॉप लग जाए। और चौथा है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। अगर परिवार में भी कम है, बस बाबा में निश्चय है ना, भाई बहने तो है ना, वो कोई कैसा है कोई कैसा, अरे दैवी परिवार है, परिवार में क्या नीचे ऊपर नहीं होता है क्या? लेकिन ये तो मानेंगे ना परिवार है कि परिवार ही नहीं है, परिवार है, हम दैवी परिवार है। कहीं कहते हैं बाबा ठीक है, परिवार में भाई बहनों में बहुत खिटखिट है, अरे राज करने वाले हो ना सतयुग में, अकेले राज करेंगे क्या? प्रजा भी चाहिए, नौकर भी चाहिए, मतलब दास दासियां भी चाहिए, सब चाहिए ना। प्रभु परिवार है, उसमें थोड़ा कोई कैसा भी ढीला होता है कमाई, वो आपका परिवार है, कोई बेचारा कम कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, परिवार तो इकट्ठा करके चलाते हो ना, क्यों से टोक टोक करते रहते हो? परिवार जो परिवार के प्यार को जानते हैं वो अपने को चलाता है। तो परिवार से भी कहीं जगड़ते भी है, कभी क्रोध भी आ जाता है, कभी संशय भी आ जाता है, ये चार ही निश्चय पक्के चाहिए, ये चेक करना, कोई निश्चय में जरूर कमी है। चाहे अपने में कमी है, दिल शिकस्त हो जाते हो, मैं बनूंगा पता नहीं, लगता तो नहीं है, ये अपने में भी संशय आ जाता है। तो चार निश्चय पक्के हैं, ये चेक करना, क्योंकि राजधानी में आधा कल्प राज करना है, 21 जन्म है, तो परिवार के बिना भी गति नहीं होगी, इसलिए परिवार से भी प्यार चाहिए, ब्राह्मण परिवार है ना। तो अभी विजयी, हाँ विजयी विजयी पक्का, ये याद करना, हमारे मस्तक में वी लगी पड़ी है।